Students, hope you are doing well. In this video, we will start a new chapter, chapter 4, that is carbon and its compounds. In this chapter, we will study about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही एक एलिमेंट कार्बन के बारे में पढ़ेंगे जिसका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे इसका एलिमेंटल फॉर्म हो चाहे इसका कंबाइंड फॉर्म हो. फूड, क्लोथ्स, मेडिसिंस, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन. इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड. कह रहा है कि ये सब मटेरियल वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन पर बेस्ड है, साथ ही जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं सब कार्बन पर बेस्ड है. द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीग्रे. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कह रहा है कि कार्बन अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% पाया जाता है मिनरल्स के फॉर्म में, और वो मिनरल्स है कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, और एटमॉस्फेयर में ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड. इस टॉपिक में हम लोग कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. In the previous chapter, we have studied the properties of ionic compounds. We saw that the ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten stage. Previous chapter में हमने ionic compound के properties के बारे में पढ़ा, साथ ही हम लोगों ने देखा कि ionic compounds का melting point and boiling point बहुत ज्यादा होता है और यह solution में या molten stage में electricity को conduct करता है. We also saw how the nature of bonding in ionic compounds explain these properties. और साथ ही ionic compounds के bonding के nature को भी देखा हमने. Let us now study the properties of some carbon compounds. अब हम लोग carbon compounds के कुछ properties के बारे में study करेंगे. Most carbon compounds are poor conductors of electricity. अधिकतर carbon के compounds जो हैं, वो electricity का poor conductor है. अब हम लोग table 1 को पढ़ेंगे. इस table के पहले column में कार्बन के कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं एंड थर्ड कॉलम में इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं. तो फर्स्ट कंपाउंड है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन. नेक्स्ट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है 209 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन. नेक्स्ट कंपाउंड है इथेनॉल. इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन. नेक्स्ट कंपाउंड है मीथेन. मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है 90 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन. जब हम लोग इन सब कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को देखते हैं और कंपेयर करते हैं आयनिक कंपाउंड से, तो हम लोग पाते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बहुत कम है. नाउ सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस. चूंकि कार्बन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें आयंस नहीं बनते हैं. The atomic number of carbon is 6. What would be the distribution of electrons in various shells of carbon? Next question, how many valence electrons will carbon have? कह रहा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके सेल्स में किस तरह से होगा, और साथ ही कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार 9th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग रिविजन कर लेते हैं. 9th में हमने पढ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, और उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में एटम के प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, और उस सर्कुलर पाथ को सेल्स कहा जाता है, और सेल्स का नाम है के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल. ओके, और उस सेल्स में सब सेल्स भी होते हैं, जैसे के सेल में एस सब सेल, एल सेल में एस और पी सब सेल्स, एम सेल में एस पी और डी सब सेल्स, एन सेल में एस पी डी एफ सब सेल्स. ओके, अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा. पहले सेल में 1s2 यानी कि के सेल में 1s2,
एंड दूसरे सेल यानी कि एल सेल में 2s2 एंड 2p2। चूंकि दूसरे सेल में 2s2 और 2p2 है, इट मींस कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यदि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। ओके, नाउ वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल, दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसमें कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के रिएक्टिविटी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। यदि आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा तो वो एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होगा, और यदि आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा नहीं होगा या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेंड करेगा। ओके, नाउ एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कह रहा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इससे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए या तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना होगा या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा, और इसके लिए दो केस होगा। ओके, पहला केस होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा और दूसरा केस होगा जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इन दोनों केस को पढ़ने से पहले फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। कोई भी एलिमेंट जब न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो उसके एटॉमिक नंबर पर ही डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। यदि एलिमेंट न्यूट्रल होगा तो एटॉमिक नंबर के इक्वल उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसी के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ओके, अब पहले केस को पढ़ते हैं। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- anion, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें क्या कर रहा है कि जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है तो इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि C4- anion में। लेकिन ये फॉर्म के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और जब कार्बन न्यूट्रल कंडीशन में है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 6। ओके, क्योंकि कार्बन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है वो इसी 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। ओके, और चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे और कार्बन के न्यूक्लियस में रहने वाला 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। ओके, अब हम लोग दूसरे केस में आएंगे। It could lose 4 electrons forming C4+ cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons. दूसरे केस के लिए क्या कर रहा है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके C4+ cation के फॉर्म में आएगा, लेकिन ये फॉर्म भी आने के लिए बहुत डिफिकल्टी है क्योंकि इस फॉर्म में आने के लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब इस केस को भी इस डायग्राम से समझते हैं। क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है और वो 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से यदि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और उतनी एनर्जी कार्बन के न्यूक्लियस में नहीं है। इट मीन्स कि दोनों ही केस नहीं होगा। अब जब ये दोनों केस नहीं होगा तो इसके ओवरकम के लिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए क्या करेगा? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ओके, अब हम लोग कार्बन किस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसको समझेंगे। तो मान लेते हैं कि X एक कार्बन है, ठीक है। अब दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। X1 कार्बन 1 है और X2 कार्बन 2 है। क्योंकि हम लोग को पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो X1 कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और X2 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कराएंगे। तो जब इन दोनों का शेयरिंग होगा तो X1 कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे कर देगा और X2 कार्बन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे कर देगा। ओके, अब इस कंडीशन में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन का भी हुआ
और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन का भी हुआ। अब हम लोग कार्बन 1 के आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। ओके, तो ऑफ कोर्स X1 के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसी तरह से X2 के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और इस तरह से सेरीन से जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब हम लोग दूसरे एलिमेंट्स में देखेंगे क्या है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो हम लोग हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा, तो हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा देंगे और शेयर करने वाले कंडीशन में हम लोग इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं और इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। देख लीजिए, इस सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इस हाइड्रोजन के भी सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इट मीन्स की डुएट कंप्लीट हो रहा है। जब हम लोग नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कहते तो वहां ऑक्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन के केस में डुएट होता है। डुएट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां देख लीजिए दोनों हाइड्रोजन के लिए डुएट कंप्लीट है। और जब इसे बॉन्ड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से शो किया जाता है, एच डैश और एच। ओके, अब हम लोग दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ है ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है 1s2, 2s2, 2p4। इट मीन्स कि आउटर मोस्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 और यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हो गए तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। ओके, अब ऑक्सीजन के उस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपर साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोअर साइड में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में। अब चूंकि दो ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा तो दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड की तरफ। फिर दोनों की शेयरिंग कराएंगे, तो शेयरिंग जब कराएंगे तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे बढ़ाएगा, फिर ये ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे बढ़ाएगा और फिर इस कंडीशन में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन का भी हो जाएगा और फिर ये इस ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। अब हम लोग एक एक ऑक्सीजन का देखेंगे कि उसके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कि नहीं। तो इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इसके सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब इस ऑक्सीजन में देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इट मीन्स कि दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, या कह सकते हैं कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। और यदि दोनों ऑक्सीजन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया तो इससे बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उसको हम लोग इस तरह से डबल बॉन्ड से दिखा सकते हैं, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था तो सिंगल बॉन्ड बना था, यहाँ बॉन्ड बन रहा है 4 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड और ये दोनों सिंगल बॉन्ड मिल करके हो जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 7 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा 1s2, 2s2, 2p3। इट मीन्स कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड में एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड या इस नाइट्रोजन के फ्रंट साइड में। ओके, चूंकि दो नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा तो दूसरे नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के फ्रंट में या लेफ्ट साइड में। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा, तो क्या करेगा कि ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे करेगा और ये नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे करेगा, फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन का भी हो जाएगा और इस नाइट्रोजन का भी हो जाएगा। अब हम लोग दोनों ही नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में देखते हैं कि ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। तो इस नाइट्रोजन की यदि बात करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट। इट मीन्स कि दोनों नाइट्रोजन ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लिया और अटेंड करने के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है तो इस तरह का 3 पेयर्स बना हुआ है, तो 3 पेयर्स के लिए 3 लाइंस और 3 लाइंस से यदि दोनों नाइट्रोजन बॉन्डेड है इट मीन्स की ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ओके, अभी तक हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग एक कंपाउंड की बात करते हैं और वो कंपाउंड है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा,
तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह से 4 साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके 1, 2, 3 एंड 4। और मीथेन के फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन भी होता है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से 4 अलग अलग साइड में हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। ओके, अब हम लोग इंडिविजुअली एलिमेंट को देखते हैं कि डुएट या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो इस हाइड्रोजन का पहले देखते हैं, तो इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी डुएट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इस हाइड्रोजन में भी देख रहे हैं कि यहाँ भी डुएट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन में भी देख रहे हैं यहाँ डुएट कंप्लीट है, इसमें भी देख रहे हैं डुएट कंप्लीट है। अब कार्बन की बारी है, अब कार्बन में क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट देखते हैं कंप्लीट है कि नहीं। तो कार्बन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। और इस तरह से शेयरिंग करके कार्बन एंड हाइड्रोजन बना देता है मीथेन। ओके, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वाले स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलोटॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।